क्यों लग रहा है ना ये एकदम मार्केट के प्रीमिक्स के बना हुआ केक। सो अब हम इसको बनाएंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई केक प्रेडिक्शन। आज हम बनाएंगे वनीला केक प्रीमिक्स और इसमें से केक। सो मैंने वेइंग स्केल के ऊपर ही हाफ कप रखा है मेरा। हाँ, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ शुगर। आपको शुगर लेनी है 75 ग्राम्स, जो कि हो जाती है अराउंड एंड अराउंड हाफ कप के, हाफ कप का जो मेजरिंग कप होता है उसके जितनी। और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अब मिक्सी के अंदर। इसको पल्स मोड पे आप बन चालू करके मिक्सर को ग्राइंड कर सकते हो। और अब मैं इसको नीचे लेकर उसमें मैदा डाल दूंगा। मैदा भी हमको 75 ग्राम्स ही डालना है। सो मैदा अगर आप इसमें मेजर करो ना, मैदा हो जाता है आपका हाफ कप पूरा और उसका आधा, यानी कि 3/4 कप टोटली। सो आपको उसमें मैदा डालना है। मैदा डालने के बाद आपको उसमें अंदर डालना है अपना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसके अंदर कंपल्शन है, क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसके अंदर आप 1/2 टेबल स्पून प्लस 1/4 टेबल स्पून डाल सकते हो मिल्क पाउडर का। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगा बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून डालूंगा बेकिंग सोडा। और इसके बाद इनको हल्का सा चर्न करेंगे, यानी कि पल्स करेंगे 2-3 बारी, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप टोटली बैटर मिक्सर में बना सकते हो, बट मैं इसको ऐसे प्रेफर करता हूँ। अब एक बोल में इसको डाल के मैं इसको डाइल्यूट करूँगा पानी के साथ। आप मिल्क के साथ कर सकते हो, लेकिन वो वाला बहुत डेंस बनता है केक। सो मेक श्योर कि आप पानी यूज़ कर रहे हो। मैं इसमें अभी अराउंड एंड अराउंड 3-4 टेबल स्पून के ऑयल डाल रहा हूँ, नॉर्मल वेजिटेबल। और आप घी भी डाल सकते हो, बटर भी डाल सकते हो। सो मैंने 3-4 टेबल स्पून के यहाँ पे ऑयल डाला है। और मैंने 3/4 कप ही पानी लिया है। आपको जितना अंदाजन लगे आप उतना ले सकते हो। मेरे को 3/4 कप लग गया था। और इसको मैं अभी देखो कम पावर वाली मशीन से बीट कर रहा हूँ। ये अराउंड 180 पावर वाला है, 400 पावर वाला है, 300 पावर से करोगे ना तो आपका केक नीचे बैठ जाए, बीच में से बैठ आने के चांसेस बहुत होते हैं। मैंने इसमें ये कॉर्नफ्लावर डाला है 1/2 टेबल स्पून, और उसके बाद थोड़ा सा और आपको 1/2 टेबल स्पून ही डालना है। आप 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर कैसे डालोगे मिक्सर में, जब भी आप इसको ग्राइंड करोगे तभी। मिक्स करके मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया बेकिंग टिन में, और बेकिंग टिन को मैंने टैप कर दिया है 3 से 4 बार, ताकि उसके एयर बबल सब हट जाएं। अब मैं इसको बेक करूँगा 150 डिग्रीज पे, तब तक ये बन जाएगा, जब तक ये कुक हो जाए। अब ये प्रीमिक्स थोड़ा डार्क होता है ऊपर से, तो उसका वही कलर है, और ये थोड़ा सा क्रैक हो गया क्योंकि कन्वेक्शन ओवन में बहुत ज़्यादा हीट होती है। अब हम इसको इसके अंदर ही ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे हमारे प्लेट में। मैंने आपको देखो नाइफ इंसर्ट करके दिखा दिया कि ये एकदम क्लीन आया है और एकदम अच्छे से कुक हुआ है हमारा केक, बहुत बढ़िया से कुक हुआ है। देख सकते हो नाइफ एकदम क्लीन आया है। ऊपर से थोड़ा सा क्रैक हो गया क्योंकि कन्वेक्शन ओवन बहुत ज़्यादा हीट करता है। और अब मैं इसको इसके अंदर ही ठंडा होने दूंगा। ये मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया। अब डीमोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, आप एजिस से जो है इसके नाइफ रन करोगे एक बार, ताकि वो हर साइड से प्रॉपरली निकल आ जाए। और जैसे आप नाइफ रन करोगे ना, आप इसको टैप करो ऊपर से, वो अपसाइड डाउन रख के हमारे प्लेट में, अब जैसे इसको टैप करोगे ना वो निकल आ जाएगा इजीली। सो हियर इट इज़ आर वेनिला केक प्रीमिक्स, घर का प्रीमिक्स और उसमें से बना हुआ केक। ये होममेड प्रीमिक्स है, ये कमर्शियल के जैसा नहीं टेस्ट देता है, बट उससे बहुत ज़्यादा बेटर होता है। सो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताएं कि ये आपका केक कैसा बना। और इसी केक के साथ मैं आगे पाइनएप्पल केक का रेसिपी डालने वाला हूँ, इसकी वजह से मैंने इसको स्लाइस नहीं किया है। इसका केक अभी आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा ऊपर से डार्क और हार्ड है, तो आप इसको कट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।